जय छात्र, हम बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कैसे करें। खंड शिक्षा अधिकारी में आवेदन वही कर सकते हैं जो बीएड है। ये वीडियो आप तभी देखिएगा जब आप बीएड कर चुके हैं, क्योंकि इस फॉर्म को आवेदन करने मतलब सबसे जो प्रमुख अहर्ता इसकी है वो बीएड है। मैंने बीएड के भर्ती यूपीपीएससी में खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसमें दो चरणों में परीक्षा होनी है। इस दो चरणों की परीक्षा को पार करने के बाद आप एक ब्लॉक के अधिकारी बन जाएंगे और आपके नाम के साथ अधिकारी शब्द जोड़ जाएगा। आइए जानते हैं इसकी तैयारी कैसे करनी है और क्या क्या पढ़ना है। जब भी यूपीपीएससी हमारे मन में आ जाता है तो लगता है यार कहीं कोई पहाड़ सा तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने तैयारी को पूरे मनियों के साथ किया तो यकीन मानिए खंड शिक्षा अधिकारी बनने का जो आपका सपना है वो जरूर से पूरा होगा। ये दो चरणों में परीक्षा होनी है, मतलब पहले प्रीलिम्स होना है फिर मेंस होना है। मैंने प्री परीक्षा होनी है जिसे प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। दूसरा चरण होगा मुख्य परीक्षा में। इसमें एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दो तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला, अगर प्रीलिम्स की बात करें, अगर हम प्री की बात करें, प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, तो वहां पर 120 प्रश्न होंगे, दो घंटा समय होगा, 300 अंकों का होगा। लेकिन अगर मुख्य परीक्षा की बात करें तो 400 अंकों के पेपर होंगे, जहां सामान्य अध्ययन होगा, निबंध होगा, हिंदी होगा। आइए जानते हैं किस तरह से इसकी तैयारी करना है, कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम देखें तो चार से पांच साल के गैप में एक बार खंड शिक्षा अधिकारी के पद आते हैं, और इनकी जो पद संख्या आती है वो 250 से लेकर 300-350 इतने ही पद नियर अबाउट आते हैं। मतलब 300 एक अनुमान अगर औसत की बात करें तो लगभग 300 पद इसमें प्राय आते हैं। इस सपने को साकार करने के लिए बीएड के साथ साथ आपको प्रतिदिन 4 से 5 घंटे अगर आप दे रहे हैं तो खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा को आसानी से पार कर लेंगे। लेकिन प्राय होता क्या है कि जब इसकी भर्ती आती है तब लोग पढ़ना शुरू करते हैं, माने जब इसकी विज्ञप्ति आ जाती है तब पढ़ना शुरू करते हैं। तो यकीन माने कि 4-5 महीने में तैयारी की नहीं जा सकती, लेकिन रिविजन की जा सकती है। अगर अभी अध्याचन चल रहा है और भर्ती आने की पूरी उम्मीद है, अगर आपने अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी तो कम समय में आप परीक्षा जब नजदीक होगा, जब इसकी विज्ञप्ति होगी, तब आपको रिवीजन करने में आसान होगा। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि इसके चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आपको प्रारंभिक के साथ साथ मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करनी होगी। माने अगर हम बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कॉमन है, माने जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले फोकस उनको करिए जो दोनों के हैं, मतलब प्रारंभिक परीक्षा के और मुख्य परीक्षा के, इन दोनों को मिलाकर तैयारी करिए। फिर जैसे विज्ञप्ति आए या जब आप लग जाए परीक्षा नजदीक है तो केवल आप पूरा अपना समय प्रारंभिक परीक्षा में दें। लेकिन अगर अभ्यास जो है, लिखने का जो अभ्यास है, जो डिस्क्रिप्टिव है, जो लिखित परीक्षा है, उसकी अभ्यास 1-1 घंटे डेली अभी से करते चलिए। बाकी इसकी जो थ्योरी का सेशन है उसको पढ़ते चलिए, और थ्योरी के सेशन के साथ साथ इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करिए। मतलब आप प्रतिदिन इसको 3 घंटे अगर पढ़ रहे हैं तो 3 घंटा प्रैक्टिस में ही दीजिए। 2 घंटा अगर आप डिस्क्रिप्टिव दे रहे हैं मतलब लिखित परीक्षा को दे रहे हैं, 1 घंटा उसकी प्रारंभिक परीक्षा को दे रहे हैं। इस तरह अगर आप अपने समय को 6 घंटे में बांटकर पढ़ते हैं तो आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे साथी शिक्षक होंगे जो चयनित शिक्षक होंगे और वो बीएड अभ्यर्थी होंगे, उन भी चाहते होंगे कि यार हमें भी खंड शिक्षा अधिकारी बनना है, हमारी एज सीमा क्या है और क्या हम आवेदन कर पाएंगे। तो इस पूरी जानकारी को इस वीडियो सेशन में लेकर आएंगे। इस वीडियो में अगर आप यहां तक जुड़े हैं तो इस वीडियो के आगे तक बने रहेगा, हम इसकी छोटी छोटी सभी जानकारियों पर फोकस करेंगे और सभी टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा, अपने सभी मित्रों को साझा करिएगा। आज हम खंड शिक्षा अधिकारी जुड़े हुए हर वीडियो पर, हर बिंदुओं पर, हर टॉपिक पर बात करेंगे, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि जो परीक्षा का ट्रेंड आ रहा है, कूट वाले सवाल खूब झोला भर भर के पूछे जा रहे हैं, और प्रश्न की जो कठिनाई स्तर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ाई जा रही है। मैंने प्रश्न तो लगते हैं आसान है यार, तो पूछा प्रश्न है, लेकिन जो उसकी कठिनाई स्तर की बात करते हैं वो बढ़ा हुआ और ज्यादा आता है। तो आज के सेशन में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, और आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि हम UPSC BA की बात करने जा रहे हैं, जिसे हम खंड शिक्षा अधिकारी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसका बीओ का फुल फॉर्म क्या, एक बार जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि बीईओ का फुल फॉर्म क्या है, और क्या आप अगर बीएड हैं तो आपके लिए अनिवार्य है। क्या तैयारी करें, माने तैयारी क्या करें, तैयारी क्या कर रहे हैं और तैयारी कैसे करें, ये दोनों में कुछ चीजें आपके लिए कॉमन होगी, कुछ चीजें अलग भी होगी।
क्या तैयारी करें, मतलब आपको खंड शिक्षा अधिकारी बने क्या तैयारी करना है, सबसे पहले तो वो तैयारी करना है जो आपने अभी तक पढ़ रखा है उसे रिवीजन करिए, जो नहीं पढ़ा है उसे भी पढ़ने पर फोकस करिए। आपके पास अच्छी किताबें होनी चाहिए, एनसीईआरटी आपकी बीएसआई की लिखित परीक्षा की बात कर रहे हैं तो आपके पास एनसीईआरटी जो बेसिक चीजें वो आपके पास सबसे पहले होनी चाहिए। दूसरी है कि तैयारी कैसे करनी, कैसे पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले प्री परीक्षा की बात करें, उसके सिलेबस की बात करेंगे जो जीएस 120 सवाल जहां से पूछे जाएंगे, उसके बाद हम मुख्य परीक्षा की तरफ चलेंगे। आप लोग इस वीडियो में आगे भी बने रहिएगा। अब हम एक एक करके कदम दर कदम आगे चलेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो आपके सामने है, शायद दिख रहा होगा कि खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा हेतु योजना और पाठ्यक्रम, माने खंड शिक्षा अधिकारी बनने के लिए जहां पर जिसकी मैं बात कर रहा था, इस खंड शिक्षा अधिकारी की जो प्रारंभिक परीक्षा है, जिसे हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्रारंभिक परीक्षा, ये प्रीलिम्स के नाम से हम जानते हैं, इसको प्री कहते हैं, क्या योजना है और इसका पाठ्यक्रम क्या, इस पर भी हम बात करेंगे। इस टॉपिक को भी पूरा यहाँ से लेकर चलेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी बीईयू के लिए पद पर चयन हेतु प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ, मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये एमसीक्यू होगी, यहाँ पर एक प्रश्न के चार विकल्प होंगे का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की जो संख्या है वो 120 होगी, माने प्रश्न होंगे 120 और अंकों की बात करें हम तो 300 अंक होंगे, माने 120 सवाल होंगे और 300 प्रश्न होंगे। तो हम ये मानेंगे जल्दी एक प्रश्न को 120 सवाल, अगर आप 80-85 तक पहुंच रहे हैं तो यकीन मानिए अगली परीक्षा में आप प्रवेश कर जाएंगे। अवधि की बात करें तो 2 घंटे की होगी, अवधि क्या होगी 2, माने 120 सवाल को 120 मिनट में सॉल्व करना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2.5 अंक मिलने वाले हैं, 2 सही 1/2 अंक मिलने वाले हैं। तो आइए हम इसके सिलेबस की बात करते हैं। पूर्णांक यहाँ पर 300 है, प्रश्न 120 है, समय 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे सामान्य अध्ययन में, सामान्य अध्ययन में कुछ चीजें एकदम कॉमन है जो सभी को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। सबसे पहला सामान्य विज्ञान, इस सामान्य विज्ञान की हम बात करें हमारे मन में आता है जनरल साइंस, इसके लिए लूसेंट किताब अगर आपके पास है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, लूसेंट बेस्ट किताब मानी जाती है। एक बार अगर आपको मौका मिले तो सबसे पहले जो लूसेंट का उसे पूरा तैयार कर लीजिएगा, लूसेंट के जो सामान्य जीएस है। इस सामान्य विज्ञान में देखें तो सबसे पहले केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, फिजिक्स हो गया, मतलब भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया आपका, और उसके बाद जीव विज्ञान। इसके साथ साथ इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और करंट का भी विज्ञान प्रौद्योगिकी जो है उससे भी जुड़ा हुआ टॉपिक है, कंप्यूटर भी सेशन में है। मतलब इस सामान्य विज्ञान में आपको 5 अहम चीजें पढ़नी है, साइंस एंड टेक्नो पढ़ने हैं, केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, बायो पढ़नी है, उसके बाद कंप्यूटर पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद करंट में जो करंट में चल रहा है उस सामान्य विज्ञान को भी जोड़कर रखना है। जैसे भी आपने देखा चंद्रयान 3 गया, तो चंद्रयान 3 कंप्यूटर का भी हिस्सा है, आपके सिलेबस में पढ़ने को मिलेगा, विविध में भी पढ़ने को मिलेगा, करंट भी पढ़ने को मिलेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी पढ़ने को मिलेगा, वो सामान्य विज्ञान का भी हिस्सा जरूर होगा। सबसे अहम कॉमन की अगर हम बात करें तो जीएस में चाहे आप आरओ एरो की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी प्रिंसिपल या जीआईसी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, या आप खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पेट की तैयारी कर रहे हैं, सभी जीएस में ये चीजें कॉमन है। माने जीएस अगर आप पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें कॉमन है, सामान्य विज्ञान आपको पढ़ना है। सामान्य विज्ञान की बात अगर हम आगे बात करें आपके लिए क्या है, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास हम बात करें तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सवाल आते हैं। इतिहास मतलब एक तरफ इतिहास और एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, दोनों को रख दिया जाए तो दोनों के पढ़ ले आपस में बराबर होते हैं। माने आज के जो परीक्षा का ट्रेंड है वो कह रहा है कि भैया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर सबसे ज्यादा फोकस करो। तो इसके लिए भी आप भारत के इतिहास के लिए महेश कुमार बर्णवाल की किताब पढ़ सकते हैं, बेसिक जानकारी के लिए एक बार लूसेंट देख सकते हैं, उसके बाद महेश कुमार बर्णवाल की किताब इसके लिए अच्छी है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए और भारत के इतिहास के लिए। और ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, अगर आप चाहें तो शॉर्ट में, अगर आप रिविजन के लिए चाहें ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स भी आप ले सकते हैं। वैसे मैं इसकी निःशुल्क क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, बीओ की निःशुल्क क्लासेस, अगर आप जुड़ेंगे तो आप भी हमारे साथ तैयारी कर पाएंगे। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इतिहास में भी प्राचीन इतिहास है, अब प्राचीन इतिहास में भी हमें माइंड मैप कॉन्सेप्ट को पढ़ना है कि क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है। पूरी हिस्ट्री आपको नहीं पढ़नी है, पूरी मेडिवल नहीं पढ़नी, पूरी मॉडर्न नहीं पढ़नी, पूरी एशियन नहीं पढ़नी है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, उसमें संस्कृति, कल्चर, स्थापत्य कला, ठीक है, शासन व्यवस्था, और किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं उनको एक एक करके पढ़ना है। प्राचीन इतिहास से ज्यादा सवाल आते हैं, आधुनिक भारत से आते हैं, मध्यकालीन से थोड़ा कम सवाल आते हैं, कहां कहां पे प्रमुख पुस्तकें पूछी जाती हैं, तो इनको भी हम क्रमवार रूप से समझेंगे और क्रमवार रूप से पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए क्या पढ़ना है,
और क्या नहीं पढ़ना, अगर ये आपको समझ में आ गया तो अधिकारी बनने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अगला है भारतीय राजतंत्र। जैसे भारतीय राजतंत्र आपके मन में आता समझ जाते पॉलिटी की बात कर रहे हैं, राज्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं, भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं, और संविधान एकदम कॉमन है। संविधान के लिए आप डीडी बसु को पढ़ रहा होगा, कोई सुभाष कश्यप को पढ़ रहा होगा, तो कोई लूसेन को पूरा कवर कर लिया होगा, कोई महेश कुमार भंडवाल की संविधान पढ़ रहा होगा, ठीक है, अलग अलग तरह से लोग पढ़ते हैं। तो आप इसके लिए सामान्य जो है भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ना है, साथ ही साथ सामान्य विज्ञान की घटना चक्र आपको रखनी है, पीसीएस वाली, इतिहास की घटना चक्र आपको पूरा पढ़ लेना है जिसमें दोनों आ जाएगा क्लियर, पॉलिटी की राज्य व्यवस्था की घटना चक्र आपको पूरा तैयार करना है। अगर इतना तैयार कर ले तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपको प्रीवियस ईयर में ही मिल जाएंगे, माने जो आपने तैयार किया वही आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे। फिर अर्थव्यवस्था की बात करें, इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए अलग अलग राइटर में देखें, महेश कुमार भंडवाल की किताब अच्छी है, आप पढ़ सकते हैं, वैसे डिस्क्रिप्टिव में भी, क्योंकि आगे चलकर आपको थियरी भी लिखनी है तो इसकी एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से आपको शब्द मिल जाएंगे, इसकी भी एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। इन दोनों की जो पूरी एनसीईआरटी है कक्षा छह से लेकर बारह तक की, छह से लेकर बारह तक की जो एनसीईआरटी है वो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर मिल जाएगी, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में उपलब्ध है, मुझे भी मौका मिलता मैं भी पढ़ लेता हूं। संस्कृति, तो संस्कृति जो है वो आपको इतिहास के साथ पढ़नी है, जो संस्कृति है कल्चर है वो आपको कहां पढ़ना होगा, इतिहास का, जो प्राचीन इतिहास का सेशन है वही आपको मिल जाएगा, उसी नोट्स में आपको एक साथ मिल जाएंगे, लेकिन अलग से आपको यहाँ पे मिल जाता है। एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि, चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आरओ की तैयारी कर रहे हो, बीओ की तैयारी कर रहे हो, अल्टीग्रेड की तैयारी करो, इनके लिए भी कॉमन है, मैंने जीएस का हिस्सा क्या एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर भी आपको पढ़ना है कॉमन, कौन सा प्रमुख रोग होते हैं, भारतीय कृषि क्या है, तो उसके लिए आप भारतीय अर्थव्यवस्था इसको जोड़कर पढ़ सकते हैं, और भारतीय मतलब सामान्य विज्ञान के हिस्से में भी आता है, ये दोनों तरह से हम पढ़ सकते हैं। दूसरा वाणिज्य व्यापार, वाणिज्य व्यापार की अगर हम बात करें तो ये हमें भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ पढ़नी है, माने भारतीय अर्थव्यवस्था में वाणिज्य व्यापार है, और अगर हम भारत की भूगोल की बात करें तो भारतीय भूगोल में भी हमें एक इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसमें भी इसको पढ़ने को मिलता है, तो वहां भी हम इसे पढ़ सकते हैं आगे आपके सिलेबस में। और इन सभी के लिए घटना चक्र की अलग अलग पुस्तकें आती हैं जो रिवीजन करने के लिए आपके लिए बेस्ट किताब पड़ेगी, और मेरा सजेशन होगा कि घटना चक्र का आप रिवीजन जितना बढ़िया करेंगे उतना सिलेक्शन की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं जनसंख्या, जब भी जनसंख्या की बात करेंगे पूरी टॉपिक है जनसंख्या की, भारत की जनसंख्या पढ़नी है और उत्तर प्रदेश का पढ़ना है, माने यूपी और भारत इन दोनों की पढ़नी है, इसके लिए लेनी भी दुर्गेश पर स्पेशल नोट्स आपकी होगी, कमी पेश की होगी लेकिन इंपॉर्टेंट है जहां से परीक्षा में सवाल आते हैं। उसके बाद नगरीकरण, ये देखिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में मैंने जो ये है नगरीकरण है, ये जनसंख्या जो है ये भारत के संदर्भ, विश्व की जनसंख्या आपको नहीं पढ़ना है, वह तुलनात्मक अध्ययन भले कर लेना है अगर आप चाहें तो, जैसे यूपी की जनसंख्या दुनिया की जनसंख्या के क्रम में रखा जाए तो किस स्थान पर आएगा, इस सवाल का जवाब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके दीजिएगा। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर करिएगा, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के पेज को फॉलो करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को खूब शेयर करिएगा, सभी लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। अगला आता है पारिस्थितिकी तंत्र, माने यहाँ पर ये ईवीएस है, ये पर्यावरण आपको पूरा पढ़ना है, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो पर्यावरण सबके लिए कॉमन हो चुका है, और अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये तो कॉमन चीजें हमें हमेशा पढ़नी है तो एकदम तैयार कर लीजिएगा। पारिस्थितिकी की भी ये पर्यावरण के लिए भी घटना चक्र आती है, मैंने सभी घटना चक्र आपको एक बार तैयार करनी है, और शॉर्ट में अगर आप कम समय में रिवीजन करना चाहते हैं ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स को पूरा पढ़ लीजिए या किताबें पढ़ लीजिए, उसके बाद आप घटना चक्र के एमसीक्यू पर फोकस करिए, क्योंकि थ्योरी भी आपको तैयार करनी है और थ्योरी में लिखना भी है, डिस्क्रिप्टिव भी, तो उसके लिए हम आपको डेली दो दो चार चार सवाल देंगे और सवाल के हिसाब से हम आगे डे बाई डे आपको लेकर चलेंगे। इसकी स्क्रीनशॉट चाहिए, इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब जैसे आता है मन में सर इसकी पीडीएफ हमें चाहिए, क्योंकि सिलेबस एक बार अगर पीडीएफ मिल जाएगा तो हमें तैयारी करना आसान हो जाएगा, तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आगे कह रहे हैं विश्व भूगोल, यहाँ पे क्या है वर्ल्ड ज्योग्राफी, अगर हम विश्व भूगोल की बात करें तो विश्व भूगोल में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, पहले तो सातों महाद्वीप पढ़ लेना है, उसके बाद नदी है, पर्वत है, पठार है, दर्रा है, ठीक है, उसके अलावा ज्वालामुखी, भूकंप, इन सभी तथ्यों को पूरा तैयार करना है, और वर्ल्ड की अलग अलग महाद्वीपों को जब पढ़ेंगे तो वहां से भी सवाल आपके लिए तैयार होंगे। मतलब यहाँ पे मानचित्र की पूरी ज्योग्राफी पढ़नी है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में भी ज्योग्राफी की भूमिका अहम होती है, निबंध लिखने में भी ज्योग्राफी की भूमिका अहम होती है, इसलिए ज्योग्राफी को खूब बढ़िया से पढ़ना है। अगर आप कहेंगे तो इसे वैकल्पिक विषय के रूप में भी कैसे पढ़ा जाता है उस पर भी हम लोग इसको पूरा पूरा फोकस कर लेंगे। आपसे आपकी राय क्या है, इसके लिए भी आप महेश कुमार बनवाल की किताब पढ़ सकते हैं, महेश कुमार बनवाल की विश्व भूगोल पढ़ सकते हैं, भारत की भूगोल, दो किताबें अगर आपने पढ़ लिया तो आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी, प्रारंभिक परीक्षा की दोनों की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि परीक्षा में नए ट्रेंड से सवाल पूछे आ रहे हैं, तो इसके लिए आप इसके घटना चक्र पर भी फोकस कर सकते हैं। एक ही किताब घटना चक्र की आती है जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों रहती है।
इसमें भारत का भूगोल आपको पूरा पढ़ना है और प्राकृतिक संसाधन पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधन मतलब यह इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है, वो वर्ल्ड में भी पढ़ेंगे, जो वर्ल्ड का मानचित्र पढ़ेंगे, वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे, वहां पे भी प्राकृतिक संसाधन पढ़ेंगे, जैसे एक दिन प्राकृतिक पढ़ेंगे, राजनीतिक पढ़ेंगे, फिर प्राकृतिक संसाधन भी पढ़ लेंगे। इस तरह से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को तीन टॉपिक में जब हम विश्व भूगोल पढ़ेंगे तो तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे, ताकि एक साथ आपका तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर भारत का भूगोल भी आपके लिए उतना ही अहम है, भारत की नदियां, भारत के पर्वत, भारत के पठार, भारत के मैदान, तो इन सभी तथ्यों को भी आपको डे बाय डे क्रमवार रूप से पढ़ते चलना होगा। तो ये विश्व भूगोल भारत को स्कोरिंग भी है, क्योंकि जैसे भारत का भूगोल विश्व का भूगोल पढ़ते हैं तो पर्यावरण भी हमारा तैयार होता है और काफी मजेदार सब्जेक्ट है। और हम जीएस की शुरुआत जो है यहीं से शुरू करेंगे, विश्व भूगोल से, इसकी थ्योरी और इसकी भी एनसीईआरटी पढ़नी, क्योंकि थ्योरी अगर आपको लिखनी है तो एनसीईआरटी भी आपको जरूर से पढ़नी है। फिर अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, हम इसे करंट अफेयर के नाम से जानते हैं, ये हो गया हमारा करंट अफेयर, ठीक है, इसे हम समसामयिकी कहते हैं, करंट अफेयर। ये भारत का राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, उत्तर प्रदेश, ये तीनों को पढ़ना है। करंट हमेशा मत पढ़ा करिए, करंट में अपने जीएस का हिस्सा जो उतना पढ़िए, उसके बाद परीक्षा नजदीक आने पर इस पे ज्यादा समय दीजिएगा, क्योंकि ये जितना पढ़ेंगे परीक्षा में भूल जाएगा। तो हम उन थियोरी पर प्रयास करेंगे जो बदलेगा नहीं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि भर्ती का आज जरूरी नहीं कि आज आपने पढ़ लिया कल भर्ती आ जाएगी, भर्ती कब है परीक्षा टल भी सकती है। तो परीक्षा नजदीक आने, परीक्षा के डेट क्लियर होने पर ही या फॉर्म आवेदन शुरू हो जाए तब करंट पर फोकस करिए, जिस भी परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि कॉमन जीएस अगर आपने तैयार कर लिया तो पीसीएस प्री के लिए भी काम आ जाएगा, आरओ आरओ के लिए, सभी के लिए कॉमन हो जाएगा। आगे सामान्य बौद्धिक, मैंने यहाँ पे रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, रीजनिंग भी आपको तैयार करनी है, क्योंकि वहां पे पीसीएस के लिए सीटेट में, सीसेट में पढ़ना होता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में, लेकिन यहाँ पर उसी 120 नंबर के सवाल में ही आपको रीजनिंग पढ़नी है। तार्किक क्षमता माने बौद्धिक, सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता, रीजनिंग माने ये भी 12 से 15 सवाल पूछे जाते हैं जो कॉमन, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया और सीरीज हो गई, श्रृंखला सीरीज हो गई, कूट वाले, कथन वाले सवाल हो गए, कथन और निष्कर्ष वाले सवाल हो गए, तो और कोडिंग डिकोडिंग हो गई, दिशा हो गया, डायरेक्शन हो गया, तो यहां से सवाल आते हैं, तो उन सभी को पढ़ना है। ये भी रिवीजन पे अगर आप लगातार पढ़ रहे होंगे, अगर ऐसा तो नहीं है पहली बार आप तैयारी करने जा रहे हैं, तो इस पर केवल प्रैक्टिस पर है, प्रीवियस पेपर पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यूपी स्पेशल की तरफ। यूपी स्पेशल अगर यूपी में परीक्षा देने जा रहे आरओ आरओ पुलिस पेट, क्योंकि पेट से भी परीक्षाएं अच्छी पद आते हैं, तो सबके लिए आपको यूपी स्पेशल जाना जरूरी, यहां तक कि पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा में दो पेपर ऑप्शनल में जो वैकल्पिक विषय था उसे हटाकर अब यूपी स्पेशल ही कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, मतलब यूपी स्पेशल उसकी संस्कृति, कल्चर, आवास, भौतिक विभाजन, ज्योग्राफी, अच्छा यू समझते हैं यूपी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कल्चर, तो ये सब आपको पढ़ना है। इसमें साइंस के साथ साथ गणित के भी सवाल आते हैं, माने सामान्य गणित आते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि गणित में जटिल सवाल पूछे जाते हैं, प्रारंभिक गणित आते हैं, सामान्य गणित के सवाल आते हैं, जिसमें अगर हम बात करें ज्यादातर हो गए, जैसे परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, बट्टा हो गया, साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज सवाल पूछे जाते हैं, और संख्या पद्धति से सवाल आते हैं, औसत से, अनुपात से, सांख्यिकी से, इस तरह के सवाल इस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। रेखा गणित से भी सवाल आते हैं, ये हाई स्कूल स्तर तक के होते हैं, अंग गणित होता है, बीज गणित से भी सवाल आते हैं, रेखा गणित से भी सवाल आते हैं, माने अगर हम बात करें रीजनिंग और गणित से मिलाकर 20 से 25 सवाल पूछे जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 से 25, कई बार तो 15 सवाल ही पूछे गए हैं मिलाकर दोनों से, तो ये मान के चलिए 15 से 20 से 25 सवाल जो है वो आपके रीजनिंग और मैथ से हैं, माने 100 सवाल लगभग 90 से 100 सवाल आपके जीएस से ही आपके पूछे जाएंगे, माने जीएस पर फोकस ज्यादा करना है। और 15 से 20 सवाल आपके केवल करंट से भी होंगे, 20 सवाल आपके करंट से होंगे और 15 से 20 सवाल यूपी स्पेशल से भी होंगे, बाकी आपको जीएस पर फोकस करना, क्योंकि एक क्रम ऊपर नीचे भी होता है, क्योंकि आयोग कभी भी किसी की तरफ भी कल्टी मार जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है, हर तथ्य को पढ़ना है और ज्यादा ज्यादा तैयारी करें। अभी से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके लिए तैयारी करना, पढ़ना बेहद आसान हो जाएगा। ये था पूरा जो प्री का सिलेबस, वो मैंने आपको बता दिया। वीडियो को शेयर करिएगा और अगर कोई सवाल है सुझाव है वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा और कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। अब हम इसके बाद मुख्य परीक्षा की तरफ बढ़ेंगे। अब इसकी मुख्य परीक्षा की तरफ हम आ गए। अब यहां पे मुख्य परीक्षा के बारे में जानेंगे कि मुख्य परीक्षा में क्या क्या है, कैसे कैसे आपको परीक्षा देनी है, किस किस चीजों पर फोकस करना। हमने पहले कहा कि अपनी तैयारी को एक बार प्री का सिलेबस और मेंस, इन दोनों को सिलेबस रखने के बाद
तब अपनी तैयारी करेंगे तो सफल होने की संभावना आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसमें अगर हम बात करें तो मुख्य परीक्षा जो होगी लिखित परीक्षा, ये दो अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे, इसमें दो पेपर होने हैं, माने खंड क मतलब भाग एक भाग दो या पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, दो पेपर होने हैं। यथा सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन हो गया, सामान्य अध्ययन को हम शॉर्ट में जीएस कहते हैं, जीएस और जीके यू कह सकते हैं, विविध भी था ऊपर वाले में लेकिन मैंने नहीं बताया, विविध भी तथ्य था तो वो कारण के साथ विविध भी अपने आप जुड़ जाता है, जीएस जीके हो गया। उसके बाद सामान्य हिंदी होगी, जनरल हिंदी, ये पीसीएस में भी है, आर ओ आर ओ में भी आपको मिलेगा और यहां पर भी आपको हिंदी मिलेगा। निबंध की बात करें, निबंध मतलब मुख्य परीक्षा को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, एक जीएस में, जीएस जीके हो गया, दूसरा हिंदी में, तीसरा निबंध में, तो तीन टुकड़ों में हम बांट कर पढ़ेंगे। अब इनमें क्या देखेंगे, ये तीन तीन घंटे के पेपर होंगे, माने सामान्य अध्ययन एक में होगा और हिंदी और निबंध एक में होगा, माने ये आपको हम यू कह सकते हैं फर्स्ट कह ले और इसको हम कह लेते हैं सेकंड। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक, इन्हें दो टुकड़ों में हमने तोड़ लिया। ये प्रश्न जो होंगे दो दो सौ अंक, कितने अंक, दो दो सौ अंक होंगे, माने 200 अंक के सामान्य अध्ययन होगा, 200 अंक के हिंदी और निबंध। फिर से जीएस जो आपके लिए है ना, वो देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, माने जीएस निर्णायक, आधे में जीएस अकेले है और आधे में हिंदी और निबंध। निबंध में अगर आपने जीएस के एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया, निबंध अच्छे से कर ले जाएंगे, और हिंदी थोड़ी सी मेहनत कर लिया हिंदी भी कर पाएंगे आप। तो अगर ओवरऑल देखें तो मेहनत की जरूरत है आपको। अब आगे इसके सिलेबस की बात करें, इस प्रकार परीक्षा में कुल 400 मुख्य परीक्षा जो होगी इसकी, कितने अंक की होगी, 400 अंकों की होनी है। सामान्य अध्ययन जो परंपरागत के प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप में उनके अंकों का विभाजन निम्न होता है। आइए उनके प्रश्नों के विभाजन की हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। यहां पर कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी 40, माने कुल 40 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। कितने सवाल? 40 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इन 40 सवालों में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, प्रश्नों की संख्या होगी 40 और सभी प्रश्न यहां पर होंगे अनिवार्य। सभी प्रश्न खंडों में विभाजित होंगे, सभी प्रश्न क्या है, अलग अलग खंडों में विभाजित होंगे। खंड अ के अंतर्गत, खंड अ माने पहला खंड के अंतर्गत, प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न, जो 10 प्रश्न होंगे सामान्य उत्तरी, माने उत्तरों की शब्द सीमा जो होगी 125 होगी, एवं प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक होंगे। मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि खंड अ में 10 प्रश्न होंगे और जिसकी शब्द सीमा होगी 125। कितनी होगी शब्द सीमा? 125 की होगी। माने ये पेपर हो गया आपका 10 × 10, माने 100 नंबर पे। ये कैसी हो गई? ये सामान्य उत्तरी होगी, मतलब इसे हम कह सकते हैं कि लघु उत्तरी प्रश्न होंगे, ये एक तरह से लघु उत्तरी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के जैसे एक छोटा सवाल दिया जाए, पूछा जा सकता है कि कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, व्याख्या करिए। पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 के सफल होने के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। तो इस तरह के सवाल आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जिनको 125 शब्दों में लिखना है। खंड ब की तरफ बढ़ते हैं, इसके अंतर्गत 10 प्रश्न होंगे लघु उत्तरी के, जिनकी शब्द सीमा क्या होगी, 50, मतलब ये अति लघु उत्तरी होगी। ये क्या होगी? अति लघु उत्तरी कह सकते हैं, अति लघु उत्तरी है ये 50 शब्दों में इनको लिखना है, एवं प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा। मतलब यहां पर 10 प्रश्न होंगे 6 अंक, माने हो गए आपके 60। अब आपके पेपर हो गए 160 अंक, सवाल कितने हो गए, 10 10 20 अंक हो गए। कितने हो गए? 100 और 60 160 अंक हो गए। 200 नंबर का खंड का है। अब आते हैं खंड स की तरफ, इसके अंतर्गत 20 प्रश्न होंगे जो एकदम अति लघु उत्तरी होंगे। मतलब ये देखिएगा, ये अति लघु उत्तरी है, लघु उत्तरी है, ये दीर्घ उत्तरी है। मतलब अगर हम इसे डिवाइड करें, तोड़े, तो हमें तीन पार्ट में टूटेगा। कौन कौन? अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी। दीर्घ उत्तरी की शब्द सीमा 125 अंक है, अति लघु उत्तरी की शब्द सीमा 50 अंक है, 50 शब्द है, 50 सॉरी, दीर्घ उत्तरी की शब्द सीमा 125 अंक है, लघु उत्तरी की शब्द सीमा 50 शब्द है, और अति लघु उत्तरी की जो शब्द सीमा है ये 25 शब्द है। कितनी है? 25 शब्द। इनमें प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित है, माने यहाँ पे 20 सवाल है और 2 अंक है, तो 40 नंबर के हो गए। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो निर्णायक है वो है आपका दीर्घ उत्तरी। 10 सवाल 10 नंबर के होंगे, 10 सवाल 6 नंबर के होंगे, फिर 20 सवाल 2-2 नंबर के होंगे। इस प्रकार 200 प्रश्नों का सामान्य अध्ययन होगा। इसके लिए आप एनसीईआरटी को पूरा तैयार कर लीजिएगा। एनसीईआरटी को जितना अच्छे से तैयार करेंगे, लेखन शैली आपको उतनी स्ट्रांग होगी, उतना बेहतर होगा। उसके साथ साथ मैं छोटा सा
चाहे तो आप इलानी विद दुर्गेश का जुनूट से इलानी विद दुर्गेश पे जुड़े, क्योंकि ये पूरी तरह से पीसीएस पैटर्न पे तैयार हुआ है, यूपीएससी के जो यूपीपीएससी का जो पैटर्न है उस पर तैयार है। इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल करके ले सकते हैं, वो आपको लेखन शैली में सहयोग कर सकता है, शब्द भंडार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, माइंड मैप कॉन्सेप्ट, क्योंकि चीजों को ज्यादा याद करने की जगह कम में कैसे होगा और उन चीजों को कैसे हमें लिखित परीक्षा में लिखना है वो आपके काम कर जाएगा। माने मुख्य परीक्षा के साथ साथ हम चाहेंगे कि आप इसकी जो पीटी परीक्षा है उसकी तैयारी की तरफ बढ़े, माने मुख्य परीक्षा से प्री परीक्षा की तरफ। वैसे जो इसकी तैयारी होगी, पहला जो फोकस होगा, पहला प्रथम दृष्टया जो होगा वो हम प्रीलिम्स की तरफ ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां तक आप लोग को मुझे लगता है चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम दीर्घ उत्तरी 125 शब्द सीमा है, लघु उत्तरी 50 शब्द सीमा है और अति लघु उत्तरी की 25 शब्द सीमा है। 25 का मतलब जितना बड़ा प्रश्न है उतना बड़ा आपको उत्तर देना है। अब हम बढ़ते हैं सामान्य हिंदी की तरफ। अब सामान्य हिंदी में, सामान्य हिंदी एवं निबंध के अंतर्गत प्रथम खंड सामान्य हिंदी 100 अंकों का होगा। अब यहां पे देखिए जो हिंदी का रोल है आपका वो कितना अंक है, 100 अंक का। हिंदी क्या है, 100 अंक का है। और द्वितीय जो खंड है हिंदी निबंध 100 अंकों का है, मतलब जीएस 200 अंक का है, हिंदी 100 नंबर का है, निबंध 100 नंबर का है। इसमें खंड अ और ब हो जाएंगे, ठीक। अब सामान्य अध्ययन का जो सेशन है उसको एक बार हम पूरा देख लेते हैं कि सामान्य अध्ययन जो मुख्य परीक्षा का है उसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है वो मूल रूप से यहाँ पे देखना है। इसमें समय सीमा 3 घंटे होंगी, पूर्णांक क्या होगा, 200 होगा। समय कितना होगा, 3 घंटे। 3 घंटे में आपको पूरा लिखना है। अगर शब्दों की बात की जाए तो हमने देखा कि दीर्घ उत्तरी जो है वो 1250 शब्द हो गए लिखना है, क्योंकि 10 सवाल थे। और फिर यहाँ पे 500 शब्दों में जो 500 शब्द थे जो अति लघु उत्तरी के और लघु उत्तरी के, अति लघु उत्तरी के 25 × 2 तो ये भी हो जाएंगे 500। इस प्रकार शब्द की सीमा जो होगी 2250 शब्द लिखना है आपको 3 घंटे में। तो ये समझ लीजिएगा कि आपको इस तरह से ही लिखना है। इसमें भारत के इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजनीति माने इंडियन पॉलिटी की हम बात कर रहे हैं, भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं, या आप राज्य व्यवस्था कह सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये भी एनसीईआरटी में पूरा पढ़ना है। भारत का भूगोल, भारतीय कृषि, तो ये चीजें होंगी। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है ये आपको इतिहास में मिल जाएगा, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक इतिहास में पढ़ने को मिल जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मामले और संस्थाएं ये आपको करंट के साथ मिल जाएंगी, करंट के साथ ही आपको पढ़ना है। वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक संगठन जो सुसंगति के विषय और भारत और विश्व, तो ये भी आपके करंट में आपको मिल जाएंगे। मुख्य परीक्षा में करंट का रोल बढ़ जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मैंने ऊपर ही बताया, साइंस या टेक्नोलॉजी होगी, संचार होगा, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में विकास क्या क्या हुआ, तो ये भी आपका ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही पूरा पूरा कंप्लीटली आपका आ जाएगा। फिर आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे शिक्षा में क्या क्या विकास हो, मतलब इसे नई शिक्षा नीति पढ़नी है और नई जो नीति थी वो पढ़ना है, तो ये शिक्षा में क्या सुधार हुए, क्या विकास हुए, नए क्या बदलाव हुए हैं। उत्तर प्रदेश की संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, बोली, सामाजिक प्रथाएं, संबंध, विशिष्ट जानकारी, माने यूपी स्पेशल में पूरा कंप्लीटली पढ़ना, इतिहास, भूगोल, बोली, सामाजिक प्रथा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, ये आपको पूरा कंप्लीट तैयार करना है। इसके अलावा बीओ की अगर आप चाहिए तो नोट्स इलानी विद दुर्गेश उपलब्ध है, इलानी विद दुर्गेश मेरी क्लासेज भी आपको निःशुल्क देशहित में राष्ट्रहित में मिलती रहेगी। आप चाहे 3 नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके, यहाँ पे नंबर दिया गया, इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। आप चाहते इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, ये आपके काम आ सकती है, वैसे आपकी मर्जी, ठीक है, आपकी मर्जी। आप आगे देखिए, अब सामान्य हिंदी की बात करते हैं। मुख्य परीक्षा में जो सामान्य हिंदी का रोल था, 100 नंबर के रोल थे, ऐसा तो नहीं है कि यार इसको नहीं पढ़ना है। 100 प्रश्नों का जो 100 नंबर है पूरा पूरा सामान्य हिंदी है। यहाँ पे इसमें क्या है, अपठित गद्यांश का संक्षेपण में लिखना है, यानी जो अपठित गद्यांश है उसको संक्षेप में आपको लिखना है। फिर उससे संबंधित प्रश्न होंगे, रेखांकित अंशों की व्याख्या है उसका उपयुक्त, इसके लिए पीसीएस की जो प्रीवियस पेपर है उसका सहारा ले सकते हैं, घटना चक्र की युद्ध की आती है, दोनों आपके लिए किफायती होगी। ये आपके लिए स्कोरिंग है, ये थोड़ी सी मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर स्कोर होगा। खासकर अगर आप न्यूज़पेपर लगातार पढ़ रहे हैं, उसके आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तो इस पे काफी अच्छा स्कोर आपका होगा। उसके बाद शासकीय एवं अर्धशासकीय पत्र है, कार्यालय आदेश, ज्ञापन विज्ञप्ति है, अधिसूचना है, और परिपत्र संबंधी पत्र लेखन है और आलेखन, ये भी आपको हरदेव बहरी की किताब है, और प्रीवियस ईयर पेपर जो पीसीएस के हो चुके हैं उससे भी आपको काफी मदद यहाँ पे मिल जाएगी। वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से
हिंदी में अनुवाद, यहाँ पे वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, ये भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर से इसमें काफी मदद मिल जाएगी, न्यूज़पेपर की अहम भूमिका होने वाली है। अब और आगे चलते हैं चौथा पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट जो है उसमें क्या कह रहा है, अनेकार्थी शब्द है, इसमें अनेकार्थी शब्द है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, तत्समय तद्भव शब्द है, क्षेत्रीय भाषा है, देशज है, विदेशज शब्द भंडार है, वर्तनी अर्थबोध है, शब्द रूप है, संधि है, समास है, क्रिया है, हिंदी वर्णमाला है, विराम चिन्ह है, शब्द रचना है, वाक्य रचना है, मानी पूरी ग्रामर है, अर्थ है, मुहावरे है, लोकितियां है, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां हैं, हिंदी भाषा के प्रयोग होने वाली अशुद्धियां। तो ये हम देख रहे हैं हिंदी व्याकरण हो गया, अंग्रेजी सिंधी, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद हो गया, पत्र लेखन हो गया, पर अपठित गद्यांश हो गया। तो 100 नंबर ये चार खंडों में बटा है। ये तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें ज्यादा मेहनत करनी है, इसे रिवीजन करना है, इसे प्रीवियस ईयर पेपर पर ही फोकस करना है, बस केवल प्रीवियस ईयर पेपर, उसके साथ साथ इसके मॉडल पेपर लेने के बाद आप खुद से लिखे, बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। अगर हिंदी निबंध की बात करें, दूसरा खंड जो इसका हिंदी निबंध का, ये भी यहाँ पर 100 अंकों का है। ये कितने अंकों का, ये भी 100 अंकों का। इसके अंतर्गत दो उपखंड होंगे, प्रत्येक उपखंड में एक एक निबंध, कुल मिलाकर दो निबंध लिखने होंगे, माने दो उपखंड होगा, जैसे क ख हो गया, तो उसमें से एक एक निबंध लिखना, कुल आपको दो निबंध लिखने हैं। इसमें देखिए इनका जो दो निबंध लिखने हैं, और प्रत्येक निबंध की जो सीमा होगी वो 700 शब्दों की, मैंने प्रत्येक जो निबंध होगा वो कितने शब्दों का होगा, 700। इसके लिए भी आर्टिकल जितना अधिक पढ़ेंगे, मतलब न्यूज़पेपर की, उतना बढ़िया स्कोर आप कर पाएंगे। निबंध हेतु निम्न क्षेत्र होंगे क्या क्या होंगे, आइए उन निबंधों के बारे में हम लोग लिख देते हैं। अगर हम निबंध की अगर हम बात करें, तो खंड अ जो पहला खंड होगा, यहां पर साहित्य और संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजना का क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं निदान। तो यहाँ पे अगर आप एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा है, बहुत अच्छा लिख पाएंगे। और अगर न्यूज से जुड़े हुए हैं, डीडी न्यूज से भी जुड़े हैं, आर्टिकल्स पढ़ते, बहुत बढ़िया आप निबंध लिख जाएंगे। और उसमें प्रीवियस ईयर पेपर का रोल बहुत ही अहम होने वाला है। यूपी पीसीएस के भी पेपर का यूज करना है आपको, आरओआर की भी मुख्य परीक्षा का इस्तेमाल करना, ये नहीं कि जो बीओ का पेपर है उन्हीं को मैं सॉल्व करना, ऐसा नहीं है। खंड ब में विज्ञान है, पर्यावरण है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, निवारण है, कृषि उद्योगों व्यापार है। तो यहां पर इतना अगर आपने तैयारी कर ली, इतना अगर आपने पढ़ लिया, तो आपको खंड शिक्षा अधिकारी बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसके साथ साथ आप सभी लोग अगर आप चाहते हैं घर बैठे आपको नोट्स मिल जाए, तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मेरी क्लासेज आपको निःशुल्क मिलती रहेंगी, देशित में, राष्ट्रित में। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी क्लासेज आपके लिए कंटिन्यू रखें, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप भी खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी करने के लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश साथ जुड़कर आप अपना बेहतर देने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर आप 6 घंटे अगर आप अपना निकाल पाते हैं, तो आप यकीन मानिए आप तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर आपको पढ़ना है, मुख्य परीक्षा की भी प्रीवियस ईयर पेपर लीजिएगा, यूपीपीएससी मतलब जो यूपीपीसीएस के पेपर हुए हैं, और आरओआरओ के हुए हैं, और खंड शिक्षा अधिकारी की। और ज्यादा से ज्यादा समय इनको प्रीवियस ईयर पेपर पे दीजिए, मतलब अगर आप एक दिन में 6 घंटे अगर निकाल रहे हैं, तो 3 घंटे पढ़ने पर और 3 घंटे प्रैक्टिस पर दीजिए, और अगर आप 8 घंटे निकाल पा रहे हैं, तो 4 और 4 घंटे दीजिए, क्योंकि इससे आप ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। और यकीन मानिए सिलेक्शन की आपकी गारंटी बढ़ जाएगी। कुछ लोग कहेंगे सर पोस्ट कम आती है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखिए ये सोचने वालों की संख्या ज्यादा है, लेकिन पूरी ईमानदारी से मेहनत करने वालों की लोगों की संख्या बहुत कम है। और अगर आपने पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत किया, तो आपको खंड शिक्षा अधिकारी बनने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। बस अर्थ यही है कि आपकी तैयारी को जारी रखना है, तैयारी को बीच में ब्रेक नहीं करना है। कोई सवाल, कोई सुझाव, कोई भी हो, इस वीडियो के कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। और ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप में जाएंगे, जो प्ले स्टोर पर है, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप, वहां पर आपको पूरी एनसीईआरटी की नोट्स मिल जाएगी। क्योंकि देखिए एनसीईआरटी जो है, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी और एक अभी अपडेटेड एनसीईआरटी आई है, इन तीनों को मिला जुलाकर पूरी नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो आपको तैयारी कराने में काफी अहम योगदान देगी। वो निबंध है, थ्योरी है, और चीजों को कैसे व्यक्त करना है, इस पर भी आपके लिए एनसीईआरटी अहम भूमिका निभाएगी। और अगर इतनी तैयारी की, तो वीओ के साथ साथ पीसीएस की तैयारी भी आपकी एक अच्छे लेवल की तैयारी हो पाएगी, क्योंकि पूरा लेवल पीसीएस का ही लेवल रहेगा, और उसी लेवल के हिसाब से अपनी तैयारी आप करेंगे। टेलीग्राम पर आप लोग जरूर जुड़िएगा, टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए। जैसे टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे बिना स्पेस दिए, ई-लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, वहां पे आप जुड़ जाएंगे। जैसे ही जुड़ेंगे वहां पे सभी क्लास की वीडियो, नोट, सब कुछ आपको मिलते रहेगी। तो टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करें जुड़िएगा, फेसबुक पे ई-लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम पर ई-लर्निंग विद दुर्गेश, ट्विटर पे ई-लर्निंग विद दुर्गेश। अगर आपका कोई व्यक्तिगत सुझाव या सलाह हो, तो वीडियो में कॉमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा,
लाइक करिएगा वीडियो को, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा, अपने सभी मित्रों को साझा करिएगा, क्योंकि कर भला तो हो भला। और रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं और आपकी रेस खंड शिक्षा अधिकारी से है और आप वहां के लिए बने हैं, तो आज से ही अपने कल के लिए लग जाइए ताकि अब की बार एक सीट हमार का सपना पूरा हो सके। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो में कमेंट करिएगा, हम आपके लिए जल्दी क्लास शुरू करें। यूं कहे तो हम मंडे से इसकी सेशन शुरू कर रहे हैं और थ्योरी की सेशन जो होगी निःशुल्क होगी, मेरे द्वारा होगी, और आपने तैयारी को बढ़ाते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।